नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ हर बड़ी खबर लेकर के आपके साथ। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर और बताते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गोरखपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने गोरखनाथ मंदिर जाकर बाबा गोरखनाथ के दरबार में दर्शन किया। उन्होंने इसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवधनाथ की समाधि पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के सवाल पर भी जवाब दिया। ओम बिरला के दर्शन करने के दौरान शहर की पुलिस काफी मुस्तैद दिखाई दी। तो ओम बिरला ने मंदिर में पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे ओम बिरला। गोरखपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ओम बिरला गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना किया। पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस के बढ़ते दाम के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में गैस सिलेंडर और ठेले पर मोटरसाइकिल लादकर सिपाहियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट के बावजूद देश में डीजल पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कोरोना आपदा से पीड़ित जनता के दुख दर्द को समझने के बजाय जनता को महंगाई के बोझ में दबा रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ऐतिहासिक गिरावट पे है और आज से 5 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल 147 रुपये डॉलर था, आज उसकी कीमत 61 रुपये डॉलर है। 35 रुपये लागत 1 लीटर पेट्रोल की आती है, लेकिन सरकार के कर के बावजूद ये लागत 100 रुपये से पार जा रही है। गैस की कीमत सरकार ने 2014 में आने के पहले मोदी जी ने वादा किया था कि 300 रुपये में सिलेंडर बिकेंगे, लेकिन आज सिलेंडर 1000 रुपये की कीमत पे को छू रहे हैं। देश के गरीबों को, देश के मध्य वर्ग के लोगों को, जो कोरोना आपदा से पहले ही आर्थिक संकट से त्रस्त थे, उनको सरकार राहत देने के बजाय इस महंगाई की मार से इस तरीके से त्रस्त कर रही है कि गरीबों के समक्ष आत्महत्या करने के सिवाय या भूखे मरने। मेरठ में अधिवक्ता के उत्पीड़न को लेकर अब आजमगढ़ के अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए हैं। अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय के एक जुलूस निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। इसी बीच अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम अधिवक्ता गढ़ विरोध दिवस मना रहे। अधिवक्ताओं के हत्यारों को गिरफ्तार करो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बार काउंसिल के आह्वान पर आज हम जिला बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए इन घटनाओं का विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों की निंदा करते हैं। ये मांग करते हैं कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा की व्यवस्था यथाशीघ्र सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाए, अन्यथा जो है अधिवक्ता रोड पर जिस दिन आ जाएगा उस दिन सरकार। जगतपुर थाना क्षेत्र के खैरहनी में एक महिला को दूसरी बिरादरी में शादी करना महंगा पड़ गया, जहां बीते दिन संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की जलकर मौत हो गई थी, जिसको लेकर मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर महिला को जलाकर मारने का आरोप लगाया है। साथ ही जगतपुर थानेदार पर भी परिजनों ने लीपापोती करने का आरोप लगाया है और जगतपुर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस के द्वारा कार्रवाई, जब हम 18 तारीख को मतलब पुलिस द्वारा हमें बुलाया गया कि आप आइए थाने में एक एप्लीकेशन दीजिए, तो जब हम एप्लीकेशन अपनी एक लेके जाते हैं तो उसको जो है हटा देते हैं और दूसरी एप्लीकेशन लिखाते हैं, उसको भी हटवाया, तीसरी लिखाया, लास्ट में हम जब रोड पे हंगामा किया कि मेरे भाई को ज़बरदस्ती बैठा रखे हैं और हम जो है पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तब उन्होंने भाई से कहा, इनसे एक सादे कागज़ पर दस्तखत करवाया और कहा बेटा जाओ आपका काम। मैनपुरी के करहल में एमएलसी अरविंद प्रताप के गनर ने आत्महत्या कर ली। गनर वीरेश यादव ने खुद को घर में बंद करके गोली मार ली।
मौके पर पहुंचे लोगों द्वारा घर का दरवाजा तोड़कर उनकी लाश बाहर निकाली गई। पुलिस अभी तक आत्महत्या की वजह का पता नहीं लगा पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, करहल के रहने वाले माननीय सदस्य विधान परिषद श्री अरविंद यादव जी की सुरक्षा में एक सिपाही लगा हुआ था, नीरेश, थाना करहल से। उसका शव आज सुबह इनके घर पर बरामद हुआ है और यहाँ पर जब पुलिस पहुँची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, उस कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। प्रथम दृष्टया ये कन्फर्म सुसाइड का मामला लग रहा है। इनके परिवार वालों से भी वार्ता हो गई है, वो आ रहे हैं। उनके परिवार वालों के आने तक जो क्राइम सीन है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, उनके सामने ही सारी कार्रवाई की जाएंगी और जो भी आवश्यक विधि कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें फॉरेंसिक सुल्तानपुर की नवीन मंडी में करोड़ों की लागत से हो रहे निर्माण में भारी अनियमितता उजागर हुई है। यहां बन रही बाउंड्री दुकानों और जर्जर भवनों में घटिया सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि निर्माण में पुराने और पीले ईंटे का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, लेकिन न ही इस मामले में विभागीय अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, न ही जिला प्रशासन। वहीं इस मामले में डीएम का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जो भी दोषी पाया जाएगा उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ की बेटी जिया ने अरब सागर को नापते हुए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जिया ने अरब सागर की 36 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे 36 मिनट में पूरा कर लिया और इसे पूरा करते ही दिव्यांग जिया ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसी के साथ विजयी लड़की ने एक नया स्लोगन दे दिया, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां और कीर्तिमान स्थापित करें बेटियां। जिया के इस कीर्तिमान से पूरा परिवार पूरा गाँव खुश है। बहुत मैं खुशी महसूस कर रहा हूं और उसने कई रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है, तो मैं तो पूरे देशवासियों को सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वो 12 साल की बच्ची ने ये किया है तो मैं तो पहले उसको शुभकामना मेरी तरफ से है और मैं हर बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि उसको देख करके हर बच्चे जो है उसी तरीके से आगे बढ़ें और मैं हमेशा जिया राय को यही शुभकामना मेरी है कि वह हमेशा जो है और भी इससे भी ज़्यादा आगे बढ़े और अपने प्रतियोगिता में जो तैराकी में वो जो कर रही है वो और भी आगे जाए। ये तो पहली बात कि हमको सुन के बड़ी खुशी हुई कि हमारी पोती आज इस मुकाम पे है और हमें चाहते हैं कि हमारा गाँव क्षेत्र समाज इससे प्रेरणा ले और अपने बच्चों और बच्चियों को भी इसी तरह की तालीम दे कि वो और आगे बढ़ें और हमारे समाज देश का नाम हो। आजमगढ़ में कांग्रेस पार्टी के युवा संगठन NSUI के प्रदेश महासचिव आर्यन गौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दलित नेता के खिलाफ साजिश करने की बात कही। इस दौरान प्रदेश महासचिव ने बताया कि पंकज मोहन सोनकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ के लालगंज सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। जब से उन्होंने राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया है तभी से पार्टी में उनके विरुद्ध तमाम बातें हो रही हैं, जबकि उन्होंने कई लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया है और उनके खिलाफ जो भी बातें चल रही हैं वो सही नहीं है। हम लोग इस संबंध के लिए आए हैं, सब युवा के अंदर आक्रोश है, जितने भी कांग्रेस पार्टी के यूथ रहे हैं चाहे मेन बॉडी के रहे हैं सभी कांग्रेस के युवाओं में आक्रोश है, क्योंकि हमारे जो बड़े भैया पंकज मोहन सोनकर हैं, सोनकर जी हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया और इस पार्टी के लिए हर कार्यक्रमों में शामिल रह के इसको मजबूती प्रदान की। लेकिन आज हालांकि कुछ दिन पहले इन्होंने एक राम मंदिर में 2-4 रुपये डोनेशन क्या कर दिए इन लोगों ने, हमारे जो पार्टी के लोग गए किस मानसिकता किस विचारधारा की तरफ लेकर जा रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। ये हम युवाओं को एक बैग की तरफ खींचता है। कल का हम लोग भी ऐसा कुछ अपने संस्था जिस भगवान को पूछते हैं उनके प्रति अगर श्रद्धा दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी इस पद। सीतापुर में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सीतापुर में अपराधियों के खिलाफ अपराध नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत अवैध तमंचा फैक्ट्री पर छापा मारा गया था। पुलिस ने मौके पर मौजूद एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से 5 अदद तमंचा और मरम्मत करने के उपकरण भी बरामद किए हैं।
आज दिनांक 20 फरवरी 2021 को थाना मोहली की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए गोगे उर्फ श्याम सुंदर पुत्र विजयपाल निवासी भगवानपुर गंज थाना मोहली जिला सीतापुर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए ग्राम गदनिया के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से मौके से 5 अदद तमंचा निर्मित एवं अर्धनिर्मित एवं अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत करने। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने इंजन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। गिरोह में शामिल 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला निगोहा थाना इलाके का बताया जा रहा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 पंपिंग सेट इंजन टॉर्च सहित अवैध तमंचा भी बरामद किया है। चोरी के सामान को चोर रायबरेली के अलग अलग इलाकों में बेचते थे। क्षेत्र में कल रात वाहन चेकिंग के दौरान एसओ बछरावा और उनकी टीम द्वारा एक इंजन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, और जिसमें से शशिकांत द्विवेदी, राकेश कुमार, ये सब बछरावा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 3 अदद इंजन पंपिंग सेट वाले और एक टार्च और एक इनके पास से कट्टा बरामद हुआ है देसी तमंचा, और ये सारे के सारे जो है वो निगोहा थाने से चोरी थे, जहाँ पर उनका मुकदमा भी लिखा है। ये अच्छा पुलिस का फुटवर्क है। इनके द्वारा जो है ये इंजन खेतों से चोरी करके विभिन्न जगहों पर सस्ते में बेचा जाता था, और इस तरह से सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। रैली निकालते हुए यूनियन के लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती, तब तक हमारा प्रदर्शन कई इलाकों में जारी रहेगा। इसी के साथ प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहादत दी जाए, और यूनियन के लोगों ने अधिकारियों को 16 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गुंडों और दबंगों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। प्रयागराज में रास्तों पर अपनी दबंगई का खुलेआम प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के गाड़ी रोकने पर उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला प्रयागराज संगम की ओर जाने वाली रोड पर का बताया जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकने को कहा था, जिसके बाद दबंग पुलिस पर भड़क गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बताते हैं आगरा के जनगर थाना क्षेत्र ने पुलिस ने एक दुकान में चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि युवक अपनी महिला मित्र को मोबाइल देना चाहता था, इसीलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी आशु के पास से पुलिस ने एक लैपटॉप, MI का फोन, एक डिजिटल कैमरा और 1,15,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। दिनांक 18 तारीख को थाना जगनेर पर सूचना मिली कि कस्बे में एक दुकान है, शिवम मोटर्स की दुकान, जिसमें रात्रि में चोरी कर ली गई, और चोरी में एक लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा और 1,15,000 रुपये की चोरी हुई, जिसका तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए टीमें लगाई गई थी। आज सुबह उस चोर को, जो कस्बे का ही रहने वाला है आशु, उसको गिरफ्तार। हमीरपुर में वित्त लेखाधिकारी के ऊपर 25 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था, जिसके बाद विजिलेंस टीम द्वारा लेखाधिकारियों को अमानवीय तरीके से घसीटते हुए कोतवाली ले जाया गया था, जिसके बाद प्राथमिक शिक्षा संघ ने दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर SDM को ज्ञापन सौंपते हुए लेखाधिकारी के साथ हुए दुर्व्यवहार को न्यायिक जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो पूरा शिक्षक संघ आंदोलन करेगा। में जो अमानवीय कृत्य किया गया, जबरदस्ती पैसा उनके ऊपर डाल करके और उनको एंटी करप्शन टीम के द्वारा, विजिलेंस टीम के द्वारा, ये है कि हमारे वित्त एवं लेखाधिकारी के साथ में जो अमानवीय कृत्य किया गया, जबरदस्ती पैसा उनके ऊपर डाल करके और उनको एंटी करप्शन टीम के द्वारा, विजिलेंस टीम के द्वारा पकड़ाया गया, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, और इसका यूटा का, और ये लोग जो रमाकांत है जिसने फंसाया है, यूटा के जिलाध्यक्ष बताता है अपने आप को, और जो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष यूटा को बताते हैं, विक्रांत पटेरिया, इन्होंने एक बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी महोबा के पकड़ाया था, उनसे फिर 40 लाख रुपया लिए बाद में, समझौता भी किया, तो उनका ये खड्यंत अधिकारियों को जबरियन फंसा के और इसके बाद में समझौते के रूप में।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह में जन जागरूकता अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के साथ कई अन्य आला अधिकारी मौजूदगी में सड़क सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्थानीय जनपद के स्कूल कॉलेज की छात्र छात्रा और व्यापार मंडल के पदाधिकारी ट्रैफिक वॉलेंटियर को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा संबोधन किया गया। साथ ही बताया गया कि यातायात नियमों का पालन करें, जिससे सड़क दुर्घटना की बढ़ोतरी पर अंकुश लगाया जा सके। यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को शपथ भी दिलाई गई। हरदोई में कई सरकारी संस्थाओं से बैटरियां चोरी हो रही थी। सरकारी संस्थाओं से हो रही चोरी की सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने एक्शन लिया है, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि अपराधियों के कब्जे से एक बैटरी, एक एल्यूमिनियम इन्वर्टर प्रिंटर और 52,000 की नगदी बरामद हुई है और अब दोनों अपराधियों को जेल भेजा गया है। क्षेत्र के मिलन ढाबे के पास से दो अभियुक्त जिनका नाम रहमान और मुनव्वर है, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक बड़ा बैटरा, इन्वर्टर और एक प्रिंटर और 5200 रुपये काफ़ी चोरी का सामान बरामद किया गया है, जिन्होंने कस्तूरबा गांधी के टावर से और मंडी समिति से चोरी की गई है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आजमगढ़ के काशीपुर गांव में आंगनबाड़ी से मिला दूध पीने से दो जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने मामले की जांच की मांग को लेकर घंटों प्रदर्शन किया। मामला मुबारकपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग या दम घुटने से बच्चे की मौत होने का अंदेशा जताया है। परिजनों के अनुसार दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे। मौके पर प्रधान कमला देवी और आशा विद्वती देवी भी वहां मौजूद रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।